ऐसे ही ये बोटेन जो है इसमें फिक्स होता है, और तो ये इसमें जो है ये जल गया है और ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन है। खाली एक बटन दबाना है और गैस आपका ये चालू। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल नोटिफिकेशन आई बेल घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चलो भाई, पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी ठीक होंगे और होली मुबारक हो सभी लोगों को, और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने ही घर पे होंगे। तो दोस्तों आज है शनिवार और कल था होली, आप लोगों ने भी होली अच्छी खेली होगी, हमने भी अच्छी खेली और बहुत बढ़िया रहा, और सभी को शुभकामनाएं होली की। तो गाइज, मेरा जो है थोड़ा अब अप्रैल में उत्तराखंड जाने का है, तो इस बार मुझे कहीं मैं जा नहीं पाया और ब्लॉगिंग नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं मिला। अब हमारे जो है ऑफिस खुल चुके हैं और उसके वजह से तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। तो अब अप्रैल के महीने में मेरे दादाजी का वर्सी भी है, तो इस उस समय मुझे वहाँ जाना है। तो उसी टाइम में जब जाऊँगा तो कुछ ब्लॉगिंग करूँगा और उसके बाद कैंपिंग करूँगा। तो काफ़ी मेरे मन में विचार है जो आपको मैं अपडेट देता रहूँगा, बताते रहूँगा। फिलहाल मैं आज आप एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि मेरी तैयारी की है, और अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो उसको भी जाकर आप जरूर देखिएगा कि क्या क्या सामान मैंने परचेज़ किया है, क्या क्या तैयारियाँ मैंने की हैं, और अभी भी तैयारियाँ कर ही रहा हूँ। अभी मेरा फुल तैयारी अभी तक नहीं हुई है और कुछ हो गई है, थोड़ा बहुत अभी और रह गई है। तो गाइस, कुछ सामान की मैं तैयारी करके, जैसे कि मैंने आपने देखा होगा वीडियो में नया बैग लिए है मैंने, तो उस बैग में सारा ये सामान आप भी सामान देख रहे हैं। सारा सामान मैं इसमें डालने वाला हूँ और सर पैक करूँगा, तब जाके फिर मैं अप्रैल में उत्तराखंड के लिए निकल पाऊँगा। तो आज ये सामान कैंपिंग अगर करनी है, राइडिंग करनी है, तो क्या क्या सामान वहाँ पर चाहिए, तो वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या कैंपिंग की जरूरत पड़ती है। क्योंकि मैंने कई बार राइडिंग की है और कई बार कैंपिंग भी किया है, तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस है उसका, तो वो एक्सपीरियंस आज मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर लोग अगर कैंपिंग करना चाहें तो क्या क्या सामान की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले राइडिंग में कैंपिंग में सामान की जरूरत पड़ती है, एक चीज़ होता है टेंट। तो मेरे पास ये टेंट ये है, ये वाला टेंट है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, और ये है 2 पर्सन, और एक टेंट मेरे पास और है। अगर आपने कैंपिंग करनी है, पहाड़ों में जाना है, तो उसके लिए हमें एक छाता भी चाहिए, तो ये छाता हमेशा अपने साथ होना चाहिए। क्या पता कभी बारिश आ गई, तो उसके लिए हमें ये छाता जरूरी चाहिए। और दूसरी बात कैंपिंग में करने के लिए, ये है मेरे पास फोल्डिंग कुर्सी चेयर, जो ये पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था। तो ये है फोल्डिंग चेयर, और ये 2 चेयर मेरे पास हैं, ये और ये दोनों चेयर हैं, और ये है मैट। तो रात को अगर हम टेंट में सोएंगे तो हम ये मैट बिछाना है, तो काफ़ी किफ़ायती है, अच्छा है। ये मैंने विनायका सेल से लिया था 350 में, और काफ़ी हल्का है, 100 या 150 ग्राम का उसका वजन है बस। तो ये सामान बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चौथा नंबर में हमको चाहिए स्लीपिंग बैग, अगर ठंडा हो तो ये स्लीपिंग बैग आपका काम करेगा, और इसके साथ एक अगर वहाँ गर्मी पड़ती है तो एक छोटी सी एक चादर भी चाहिए आपको। तो चादर मैंने अभी डाला नहीं है, उसको भी डाल दूँगा। और राइडिंग स्लीपिंग बैग जरूरी चाहिए, ये -10 डिग्री को झेलता है पूरा, अगर ठंड होती है तो पूरा। ये जो है मैंने 2-3 बार कैंपिंग करा है, तो इसने पूरा मेरा अच्छा साथ दिया, तो ये मैंने अभी ट्रैकिंग करके तैयार रखा हुआ है और रेडी कर दिया है। 5वीं चीज़ चाहिए ये वाला 5 लीटर का पानी का कैन। तो ये बहुत ही है, जब भी मैं जाता था तो मैं बोतल या फिर कैन भरता था, तो ताकि उसको मैं केयर कैरी नहीं कर पाता था, तो जगह चाहिए थी। तो अब के बाद मैं इसको ले जाने वाला हूँ, तो ये है 5 लीटर का, तो ये बहुत ही बढ़िया है, और इसको मैं जाऊँगा, इसका सील तोड़ना पड़ेगा तब जाके खुलेगा ये।
तो ये बहुत बढ़िया है, तो ये भी मैं ले आने वाला हूँ इस बार। दूसरी बात, जब कैंपिंग करेंगे तो कैंपिंग के अंदर अगर आप रात को लाइट लानी है तो लाइट में आपको क्या क्या सामान चाहिए वहाँ पे, तो जैसे कि कैंपिंग बल्ब चाहिए, तो ये बल्ब जो है USB से चलता है और जो कि मैं इसको टेंट में लगाता हूँ, और जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये पावर बैंक से चलता है और पावर बैंक से ये कम से कम आपका जो है 5 या 6 घंटा आराम से लगातार ये बल्ब जो है चलता है पूरा। तो ये है वो कैंपिंग के लिए जो मैंने लिया था, और इसको आज लिए हुए 2 साल हो गए, 2 साल से ये USB बल्ब मेरा जो है टनाटन चल रहा है, और ये पावर बैंक जिससे मैं को इस्तेमाल करता हूँ, तो ये भी आपको मैंने दिखाया बहुत ही बेटर। और कितना मैं पावर बैंक यूज़ करता हूँ वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं पावर बैंक यूज़ करता हूँ कैंपिंग में, अगर आप 2-4 दिन 8 दिन के लिए कैंपिंग करने जा रहे हो, तो मेरे पास 3 हैं, 2 ये हैं, 1 मेरे को बंदा वहाँ से मिल जाता है और यहाँ से मिल जाता है, तो ये इतना सामान है। और एक है मेरे पास, ये जंगली जानवर ना आए, अगर आप खाना बनाते भी है तो जंगली जानवर का वहाँ पर भय होता है, रात को सूंघते सूंघते जंगली जानवर आते हैं तो टेंट को नुकसान भी पहुँचाते हैं और हमें डर भी लगती है, तो उस डर से निजात पाने के लिए तो ये रखा है मैंने मिर्ची वाला एक स्प्रे, तो उसको बोलते हैं चिली स्प्रे, तो चिली स्प्रे अगर हम वहाँ पर डाल देंगे जहाँ पर हम खाना बनाते हैं तो उससे कोई भी जंगली जानवर वहाँ पर नहीं आता है। ये है पॉलिश जो कि मेरा बाइक का है, और ये है सैनिटाइज़र, और ये सैनिटाइज़र की कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो ये भी मैंने रखा हुआ है। ये बुटीन कैन जो मेरे गैस सिलेंडर जो मेरे खाना बनाने के लिए, ये तो पिछले बार आपने जब देखा होगा कई बार आपने मेरे पास, तो मैं सिलेंडर लेके जाता हूँ, तो इस बार मैंने क्या कर रखा है कि मैं ये वाला गैस चूल्हा लिए हुए हूँ और इसको इस्तेमाल करता हूँ। ये सबसे बढ़िया है जो कि मैंने शास्त्री नगर विनायका से लिया था मात्र 650 रुपये में, तो उसके साथ उस टाइम पर एक सिलेंडर मिल रहा था, और तो ये 650 में मैंने ये फर्स्ट क्लास ये गैस चूल्हा ले रखा था, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया किफ़ायती है, और तो यहाँ पर इसका सिलेंडर लगाना है और यहाँ से ऑन कर देना है और कुछ नहीं करना है इसमें, और यहाँ से इसको टक टक करना है बिना माचिस का ये टक, तो ये सबसे बढ़िया है ये वाला, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ उसको। तो ये ऐसे ही ये बोटिन जो है इसमें फिक्स होता है, और अभी मैं आपको जला के दिखाता हूँ गाइस, तो ये इसमें जो है ये जल गया है, और ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन है, पर खाली एक बटन दबाना है और गैस आपका ये चालू हो जाना है, बहुत ही बेस्ट ये गैस चूल्हा बहुत बढ़िया। तो ये लिया था मैंने 650 में उस टाइम पर, अब इसके रेट बढ़ चुके हैं, अब ये 750 में आ रहा है, उस समय ये 650 रुपये का था, तो ये भी मैंने विनायका से शास्त्री नगर से लिया, तो ये बहुत ही बढ़िया है, ये ज़रूरी है। और पहले मैं बड़ा वाला सिलेंडर ले जाता था 2 किलो वाला, तो उसको ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, भारी थी, तो अब ये मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो ये मैंने ले रखे हैं केवल 4, और ये 4 बुटीन से मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि जब पिछली बार मैं जब 8-9 दिन के लिए जब गया था तो मेरा एक ही सिलेंडर चला और ख़त्म भी नहीं हुआ था। मैंने आपको अभी बर्तन दिखाए थे, उन बर्तनों के अलावा ये बर्तन भी मेरे काफ़ी काम आने वाले हैं, और जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं पिछली बार मैंने आपको दिखाया था, तो 2 आदमी के खाना इसमें हम आराम से बना सकते हैं, तो ये भी मैंने लिया था उस टाइम पे 1150 रुपये का विनायका सेल से, तो ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये है बर्तन, इसमें आपको 4 बर्तन इसके अंदर मिलेंगे, 2 फ्राई वन छोटे मिलेंगे, 2 फ्राई वन इसमें बड़े वाले मिलेंगे, तो ये फोल्डिंग सिस्टम है और बहुत ही बढ़िया है और बहुत बढ़िया 1150 रुपये, तो ये भी मैं इसको भी कैरी करूँगा, ये भी ले जाता हूँ मैं। और तो गाइस इतने सारे सामान मैंने आपको दिखाया, तो छाता भी ज़रूरी है, चेयर भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, और राइडिंग बैग भी ज़रूरी है, अपना टेंट भी ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ बहुत सारा सामान मेरे पास है। सामान ये है जो मेरा, इसको बोलते हैं टैंक बैग, तो ये मेरा जो जहाँ पर पेट्रोल की टंकी होती है बाइक की, ये आपने देखा भी होगा पिछले ब्लॉग में, तो पहले मैंने इसको बड़ा यूज़ करूँगा उसको बताऊँगा, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और ये वाटरप्रूफ है, इसका कवर भी है मेरे साथ, ये तो ये मैंने लिया था 2200 रुपये का, और ये बहुत ही बढ़िया है, अगर आपने बैग से इसको निकालना है तो पिट्ठू बैग इसको बना सकते हैं आराम से। तो इसमें मेरा काफ़ी सारा सामान आ जाता है, जैसे कि कैमरा एक्सेसरीज है, चार्जर है, ये सब इसमें आते हैं, बाकी गाड़ी के पेपर हैं वो भी सब इसमें आता है, इसमें 2 जेब है, बहुत बढ़िया पॉकेट है, और ये देखो इसमें भी है, तो गाड़ी के कागज होंगे, जो भी हमारा जेब में सामान होता है, लॉन्ग राइड पर जाते हैं तो कोई भी हमारे जेब में पर्स वगैरह वगैरह होता है तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, मतलब क्यों होती है, तो हम इसमें डालते हैं इसको, तो इसमें डालते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो और जैसे बारिश आती है तो इसमें मोबाइल भी रख सकते हैं आप यहाँ पे, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये 2200 में मिल जाता है, इसको बोलते हैं टैंक बैग, बहुत ही बढ़िया। ये है मेरा दूध का, जब मैं चाय बनाता हूँ तो हम दूध हर जगह ले नहीं पाते हैं वो वाला, तो जहाँ पर अगर मिल जाता तो ले लेते हैं, बाकी हम
ये पाउडर का दूध हम लगता है ये ख़त्म होने वाला है भाई। और ये है नमक और ये है चीनी और चाय पत्ती हमने रखी है इसमें अंदर। और ये है मेरा चैन क्लीनर, गाड़ी जब 400 किलोमीटर चलती है तो उसके बाद एक बार चैन साफ करना पड़ता है ताकि हमारी चैन आगे बढ़ती रहे और यानी कि आगे भी चलती रहे। राइडिंग के लिए हमारा ये जो है टॉर्च, जो कि मैं जब भी जाता हूँ तो ये टॉर्च इस्तेमाल करता हूँ। तो ये टॉर्च बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये आप सामने देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये दून है, काफ़ी अच्छी लाइट है इसकी और पतला बड़ा, तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो और इसमें एक लाइट ये वाली भी है, तो ये हमारा जो है अगर कोई पावर बैंक अगर आपका चार्ज नहीं है तो ये काम करेगा उस समय कैंपिंग के अंदर। तो ये बहुत ही बढ़िया है, ये मैं तो चाहता हूँ कि हर आदमी इसको लेना चाहिए, छोटा भी है बहुत बढ़िया है और चार्जेबल है। तो ये भी मैं साथ में ले जाऊँगा। दूसरा ये दोस्तों मेरा गाड़ी अगर कहीं पर पंचर हो जाती है तो मैंने अपनी गाड़ी के लिए मोटर रखी हुई है, जहाँ मर्जी मेरी गाड़ी में हवा निकल जाए, जहाँ मर्जी हवा भर सकूँ, अपनी गाड़ी स्टार्ट करो और बटन दबाओ, हवा भरो। इसके अंदर है मेरे सारे जो है राइडिंग पर मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, जीरा, ये सब इसमें है। और एक चाकू है, 3 चम्मच इसके अंदर पूरा आप देख सकते हैं इसमें है। तो ये पंचर किट, अगर गाड़ी में कोई खराबी आ जाती है तो ये पंचर का और तो ये टूल जैसे प्लास पेच का संग्रह होता, ये हमेशा अपने साथ जरूरत की चीज़ें हैं, कब कहाँ पर काम आ जाए तो ये भी मैं अपने पास रखता हूँ। तो इतने सारी चीज़ें मैंने रखी हैं तो ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये है गाइस मेरे कैमरा एक्सेसरीज, जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह वगैरह, और तो ये मैं सभी रखता हूँ। अगर मेरा डाटा अगर फुल हो जाता है तो मैं इसमें शिफ्ट कर लेता हूँ पेन ड्राइव में। तो ये सारे पेन ड्राइव हैं मेरे जो मैं साथ में ले जाता हूँ, 3 ले जाता हूँ मैं, पावर बैंक और पैड भी ले जाता हूँ मैं। वैसे मैंने कई लोगों ने मुझसे कहा था कि नी पैड आप लंबी ड्राइव करते हो तो नी पैड अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए था, लेकिन मैंने अभी तक अच्छी क्वालिटी के लिए नहीं है, पर ये भी अच्छी क्वालिटी की है। ये 750 के सस्ते दिए थे मैंने, और वैसे मुझे ये स्टील में लेना चाहिए थे बड़े वाले, मैं कई बार सोचा था लूँगा लेकिन नहीं लिया, क्योंकि तो सोच रहा हूँ कि आपके बार लूँगा तो मैं ढंग का लूँगा। तो ये है नी पैड इसको मैं इस्तेमाल, और ये है मेरे 2 दस्ताने, जैसे कि पहाड़ में अगर कहीं पर ठंड होती तो ये दस्ताने उसमें काम करेंगे, तो ये भी साथ में ले जाता हूँ। सभी लोग जानते हैं ये है टॉयलेट पेपर, तो टॉयलेट नाम इसका है टॉयलेट पेपर, लेकिन ये बहुत गजब का काम करता है। जब हम कैंपिंग करते हैं ना तो ये बहुत ही गजब काम करता है, होते हैं तो उसके बाद पानी होता है, इसमें जल्दी से निकालना होता है, तो ये हमें जो है उस समय ये टॉयलेट पेपर बहुत अच्छा काम आता है। हम इसे पानी हनी साफ कर लेते हैं, सफाई वफाई करने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा काम आता है। जैकेट जो कि राइनॉक्स का है, और ये आप देख सकते हैं ये जैकेट राइनॉक्स का है, और इसको भी मैं पहनता हूँ, इसको पहन के जाता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सुरक्षा का मामला है और अच्छा। दूसरी बात है, अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो गर्मी के लिए क्या होता है कि अब पानी जब हम ले जाएंगे बाइक में रखे तो पानी गर्म हो जाता है, तो मैंने ले रखा है एक ये वाला, और इसके अंदर एक बैग और है जो ठंडा होने के लिए, और इसके अंदर तुम 2-3 पीस बर्फ में डाल दो और ठंडा पानी की बोतल इसके अंदर डाल दो और इसको यहाँ से लॉक कर दो, तो 24 घंटे तक इसमें पानी जो है ठंडा ही मिलेगा, 24 घंटा, ये मैंने आजमाया हुआ है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये हर आदमी को लेना चाहिए, तो ये मैंने भी लिया हुआ है, इसको बोलते हैं थर्मल बैग। तो ये आप देख सकते हैं इसको, ये बहुत ही ज़रूरी है गर्मियों में, अगर कहीं भी जाओ तो 2 या 3 बोतल इसके अंदर आराम से आते हैं, तो 24 घंटा आपको पानी इसके अंदर ठंडा मिलेगा, ये मैं कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। तो भाई इतने सारे सामान मैं जो ले जाता हूँ, आप जब देख रहे हैं तो और कोई कुछ आइटम रह गया होगा जिसको मैं अभी इसमें दिखाया नहीं होगा, कई आइटम अभी मैं भूल चुका हूँ जो मैं इसमें अभी दिखाया नहीं है, जैसे कि कपड़े हैं मेरे, मैं अभी कपड़े इसमें नहीं दिखाए, तो कपड़े अलग से ले जाता हूँ, छोटा सा बैग में रखे वो अलग से ले जाता हूँ। तो इतना सारा सामान जो है कैरी करता है, जैसे कि राशन है, ब्रेड है, खाने के सामान है, वो अलग छोड़ के बाकी ये सामान में ले जाता हूँ, और बाकी जो खाने पीने का सामान है वो अलग से मुझे कैरी करना पड़ता है। और पिछली बार जो था मैं अपने जो मेरे जो राइडिंग जो सैडल बैग थे उसमें ले जाता था, वो बड़ा था, और इस बार ये सामान सारा जो है मुझे इन बैगों में, तो इन बैगों मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो कैसे ना कैसे मुझे इन बैगों में एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि सारे सामान इसमें आ जाए। मुझे लग रहा है कि सारा सामान इसमें आ जाएगा, और कुछ सामान जो है मैं पीछे की साइड पाता हूँ, जो कि जैसे कि ये चेयर है, मैट है, और ये मेरा स्लीपिंग बैग है, ये पीछे आ जाएगा, बाकी सारे सामान इसमें बैग में आ जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया। तो गाइस एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, एक बैग मेरे साथ ये भी रहता है, जैसे कि मेरे इसमें वायर है,
और इसमें लाइट है, तो ये भी आइटम कभी कभी चीज काम आने वाली चीज़ें हैं, तो ये भी मैं रख लेता हूँ, जैसे कि मोबाइल के गैजेट्स इसमें और कई सामान इसमें के अंदर है। और बाकी मैं दो मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, एक है वीवो का और एक है ओप्पो का, तो ये दो मोबाइल भी मैं इस्तेमाल करता हूँ वहाँ जाने के लिए। तो बहुत सारे बड़ी मेहनत लगती है यार जाने के लिए राइडिंग करने के लिए, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जब ये जहाँ भी जाते हैं तो हम बस भगवान से ये दुआ करते हैं कि भगवान हमारी यात्रा सफल करे, और इसको इतना सारा सामान लेके भी जाना पड़ता है। और मैंने इतना सामान इसमें दिखा रखा आपको, ये सारा सामान मैंने अभी तक कैंपिंग में इस्तेमाल राइडिंग में इस्तेमाल नहीं किया है, जैसे कि मैंने कुर्सियाँ इस्तेमाल नहीं की हैं, और ये मैं पहली बार इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि पहले मैं हवा भरने वाला जो एयर बैग होता था उसमें हवा भरो, पंप चलाओ, सांसें फूल जाती थी, तो वो मैंने बंद कर दिया, इसलिए अब मैं उसके बदले में ये ले रहा हूँ। तो ये सही है, 100 ग्राम 150 ग्राम का वजन है इसका, तुरंत बिछाओ शुरू लाओ। और वो पहले क्या था कि हम एयर मैट को हवा डालते थे, भरते थे, करते, तो वो उससे निपटारा मिल गया मुझे, तो ये बहुत ही बढ़िया। और इस बार मुझे दो बैग मिले हैं, सडल बैग, देखते हैं सडल बैग में कैसे मेरे सामान सारा एडजस्टमेंट होगा, मैं दिखाऊंगा जब मैं निकलूंगा यहाँ से, तो बहुत ही बढ़िया। तो गाइज अगर आपको मेरा ये सारा सामान के साथ ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और बाकी गाइस बस यही आपको मैं कहने वाला था कि जो वीडियो बनाया मैंने सारा, तो इतना सामान की हमारे को वहाँ ज़रूरत पड़ती, बल्कि और भी सामान की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी सारा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है राइडिंग पे कैंपिंग करने के लिए। तो इस बार जाऊँगा, देखूँगा और कैसे बनता है, कैसे दिखाते हैं आपको, और एक से एक बढ़िया। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।